दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ सब्सक्राइबर मिल गए हैं हमें, और भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमंत कुमार है, हम यहाँ धनवा इसरी बाजार से हैं। इसरी बाजार से रहते हैं, और आपका नाम क्या हुआ? गोलू। गोलू, तो दोस्तों ये जो है हमें अचानक से देखकर हमें पहचान गए, तो अच्छा लगा भाई की वीडियो मैंने देखी है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालते हैं, तो मैंने आज फर्स्ट टाइम इससे मिला। थैंक यू सो मच। दोस्तों सेकेंड हैंड बाइक की वीडियो के लिए जो है आप लोग मुझे कमेंट करते हो, और आप लोग का एक कमेंट बार बार आ रहा है राइडर पॉइंट की वीडियो को जल्द से जल्द डालने के लिए, तो उसके ऊपर जो है अपडेट मंगलवार तक आ जाएगा आप सभी के सामने। और इस जगह पे जो है मैं भी आ चुका हूँ इसरी बाज़ार में, गिरिडीह की, जो आप लोग बोल रहे थे बार बार कि गिरिडीह में जो है वीडियोज़ दिखाइए, तो गिरिडीह में देखिए कलेक्शंस बहुत है, बहुत है। अंदर में भी मैंने आपको दिखाया है, जो कि शॉर्ट्स मैंने आपको दिखाया है, तो इस जगह पे जो है मैं वीडियोस बनाने के लिए आ चुका हूँ। और आप सभी का जो है रिक्वायरमेंट जो था कि आप लोगों को सेकेंड हैंड बाइक की जो है मिड रेंज बाइक आप लोगों को देखना था, तो यहाँ पे देख लीजिए। और एक्टिवा मतलब जो स्कूटी मॉडल की है, स्कूटी भी है और अपाचे वगैरह सब है यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, और साथ में एवेंजर भी देखने को मिल जा रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करेंगे, फटाफट से शुरू करेंगे। और अगर आप में से कोई भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर देना। काफ़ी दूर से आया था दोस्तों, क्योंकि धनबाद से जो है इसरी बाज़ार में आया हुआ हूँ, और तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर पड़ जाता है ये। और यार बहुत धूप भी है, और आप लोग मुझे इनकरेज करते हो कि वीडियोस डालिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने ग्रुप पे, फेसबुक वगैरह पे शेयर करते रहिएगा वीडियो। और अगर आप में कोई भी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है मैं आ चुका हूँ इसरी बाज़ार में, और यहाँ पे जो है हमारे साथ इस शोरूम के ऑनर सुमन भैया हैं। और सुमन ने विजय 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 हाँ सुमन ऑटो सेंटर है। अच्छा अच्छा, मेरा नाम विजय कुमार हुआ। आप ऑनर हैं आगे? हाँ जी। तो सर जो है हमारे ऑडियंस एक बार हेलो कर दीजिए। हेलो। तो दोस्तों आज जो है हमारे पास जो है जो भी बाइक्स दिखाएंगे आज विजय भैया दिखाएंगे, और सर यहाँ पे जो है मिनिमम रेंज से मतलब कहाँ से स्टार्ट है बाइक? बाइक हमारे यहाँ मतलब 30 से स्टार्ट है। हाँ जी, मतलब 30 से स्टार्ट है, और जो भी बाइक आप दे रहे हो मतलब फुल्ली कंडीशंस में दे रहे हो जी, है ना? और फाइनेंस वगैरह की सुविधा वगैरह? नहीं, सेकंड बाइक में फाइनेंस की सुविधा नहीं है फिलहाल। नहीं है, कोशिश करेंगे फाइनेंस की सुविधा करने का, अभी तो फिलहाल है नहीं। अच्छा अच्छा, तो आज का जो कलेक्शन है आपके पास तो विशाल रेंज है, रेंजर है, अपाची है, स्कूटी है, पल्सर है, ग्लैमर है, हीरो होंडा का स्प्लेंडर जो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं वो भी आ चुका है, एसपी साइन बताया सर ने, तो ये यहाँ पे ये भी अवेलेबल है। ज़्यादा देर नहीं करते दोस्तों, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, और आप लोग जो है ज़्यादा वीडियो को पूरी तरह से जरूर देखिए, क्योंकि आपकी जो है रिक्वायरमेंट की सभी वीडियोज़ यहाँ सभी बाइक्स यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगी। भैया सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेगी? जुपिटर से कीजिए। ये जुपिटर जी। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए जुपिटर का जो है कंडीशन वगैरह, और टायर की कंडीशन देख लीजिए आप लोग। देखिए बाइक में जो है थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे जो है स्क्रैच वगैरह मिल जाएगा आपको, ये सब टचअप करा के देते हैं। तो हाँ हाँ, टचअप करा के दीजिए। टचअप करा के देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे देख लीजिए कंडीशन, और टायर वगैरह बिल्कुल जो है नए कंडीशन में टायर है। कब की मॉडल की सर कार? ये 2020 फर्स्ट की है। 2020 फर्स्ट की जी। तो सर यहाँ पे देख लीजिए 13,000 चला हुआ है। हाँ हाँ, 14,000 के आसपास चला हुआ है। हाँ 14,000 के आसपास। मतलब कंडीशन तो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। और इसका क्या है आस्किंग क्या है? फर्स्ट ओनर है जी, फर्स्ट ओनर है। अच्छा अच्छा, इसका आस्किंग क्या रखा है? इसका प्राइस है 40 प्लस टीएफ अलग से। टीएफ अलग से कुछ जी, पाँच साल इंश्योरेंस है। अच्छा अच्छा, और इसमें कुछ नेगोशिएशन वगैरह नहीं? मतलब फिक्स प्राइस है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आरटीआर 160 के लिए आप लोग इतना ज़्यादा कमेंट करते हो, तो ये देख लीजिए आरटीआर 160 यहाँ पे रेड कलर की अवेलेबल है, और बिल्कुल जो है नए कंडीशन में। कब की बाइक है सर ये? एक महीने की है। एक महीना पहले की बाइक जी? हाँ, एक महीने का। देख लीजिए, अभी नंबर भी नहीं आया, आ गया है नंबर, मतलब नंबर प्लेट हमारे पास नहीं आया हुआ है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों 1700 चला हुआ है, मात्र 1700 जी। अच्छा अच्छा, क्या इसका आस्किंग वगैरह? इसका पड़ेगा वो एक लाख ट्रांसफर करके, सारा कुछ करके। इसका सर अगर हम शोरूम में जा करके लेते हैं तो इसका क्या क्या रेट पड़ता होगा? 138 जो कि आप लोग 38 का डायरेक्ट आप बचत करवा रहे हैं। हाँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो होंडा जो है एक्टिवा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बिल्कुल जो है कम्प्लीटली इसको जो है सजाया हुआ है, सजाया गया है इस बाइक को, इस स्कूटी को। टायर देख लीजिए आप लोग, और बॉडी वगैरह सब ओके कंडीशन में है। कितने किलोमीटर चली हुई है सर इसका? किलोमीटर 18,000 के समथिंग है जी। 19,000 18,000 के आसपास में है ये किलोमीटर। और इसका क्या है भैया, फर्स्ट पार्टी है?
नहीं, ये सेकंड पार्टी है। अच्छा अच्छा, क्या है आपकी? इसका 28,000 पड़ेगा प्लस नाम ट्रांसफर अलग से। अलग से, और ये फिक्स प्राइस है मतलब? जी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो कि स्प्लेंडर दिखा दो यार, तो यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल नए कंडीशन में है जो कि स्प्लेंडर। और इसका जो है क्या है, ये 10,000 चला हुआ है। अच्छा 10,000, हाँ, फर्स्ट ओनर है, 5+5 इंश्योरेंस है। अच्छा अच्छा, इसका पड़ेगा आपको नाम ट्रांसफर करके 60,000। नाम ट्रांसफर करके 60,000। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, एक ग्लैमर यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए कंडीशन, देख लीजिए टायर, देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल जो है अच्छे कंडीशन में है। और ऐसा क्या है भैया आस्किंग? 2019 फर्स्ट का है। अच्छा अच्छा, और 17,000 चला हुआ है मात्र, नहीं 15,000 चला हुआ है मात्र, 15,000 जी, 15,000 चला हुआ है। इसमें भी 5+5 इंश्योरेंस है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका पड़ जाएगा 62 यानी 62,000 ट्रांसफर करके, ट्रांसफर करके 62,000। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पल्सर भी आई हुई है, और ये पल्सर 150, और ये पल्सर जो है 150 सीसी की बाइक है। और कितने किलोमीटर चली हुई है सर ये? 36। और इसका क्या है आस्किंग आपका? इसका पड़ेगा 35। 35, हाँ 35,000 पड़ेगा प्लस नाम ट्रांसफर अलग से। अच्छा अच्छा, इसमें इंश्योरेंस नहीं है। अच्छा अच्छा, वो कस्टमर को देना पैसा लगेगा नाम ट्रांसफर और इंश्योरेंस का। तो दोस्तों इसके अलावा देख सकते हो मिड रेंज बाइक, जो कि एवरेज वाली बाइक आप लोग जो है बहुत ज़्यादा तलाश करते हो, यहाँ पे देख लीजिए सिटी 100। और इसका जो है थोड़ा सा वॉश किया हुआ नहीं है, मगर अगर टायर वगैरह देख लीजिएगा तो टायर बिल्कुल अच्छे कंडीशन में है। किलोमीटर की अगर बात की जाए तो तकरीबन 15,000 के आसपास चली हुई है ये बाइक, बिल्कुल बॉडी में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रहा है। सीट वगैरह बिल्कुल जो है डेकोरेट हुआ नहीं है, सिर्फ तो वॉश नहीं किया, धोया हुआ नहीं है। बाकी जो है टायर देख लीजिए आप लोग, टायर बिल्कुल कंडीशन में है, मतलब जो जैसा है मैं वैसा ही दिखा रहा हूँ आप लोगों को वीडियोस में। तो इसका सर क्या है आस्किंग? फर्स्ट ओनर है ये? हाँ जी फर्स्ट ओनर है। अच्छा, इसमें भी 5 साल इंश्योरेंस है। अच्छा अच्छा, ये 40,000 ट्रांसफर करके लगे। 40,000 ट्रांसफर करके जी। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारी बाइक मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो है आपके पास RTR 164 भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि ब्लू और व्हाइट कलर का जो है स्पोर्टी लुक के साथ में आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है। और टायर वगैरह जो है आप लोगों को शायद अंधेरे में ज़्यादा दिख नहीं रहा हो, क्योंकि इस जगह पे जो है थोड़ा सा अंधेरा है। तो जो भी जैसा भी हो, मैं पॉसिबिलिटीज़ जो है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इंजन वगैरह जो है बिल्कुल ओके कंडीशन में दिख रहा है यहाँ पे। सर क्या है, फर्स्ट ओनर है? हाँ जी फर्स्ट ओनर है। अच्छा, 12,000 चला हुआ है गाड़ी मात्र, 12,000 जी। अच्छा, क्या है इसका आस्किंग? इसका 82,000 ट्रांसफर करके, इसमें भी 5 साल इंश्योरेंस है। 82,000 में इस 5 साल का इंश्योरेंस मिल रहा है जी। दोस्तों इसके अलावा आप लोग जो है कमेंट करते थे कि आप लोग को जो है एवेंजर देखना है, तो एवेंजर 150 जो है स्ट्रीट यहाँ पे जो है बिल्कुल अच्छे कंडीशन में है। और इसका जो है टोटल किलोमीटर कितने चली हुई है सर? इसमें तो एक का मीटर खराब है, एक में तो 7,500 चला हुआ है मात्र, 7,500 जी, मीटर चेंज हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका मीटर चेंज हुआ है। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर टायर की कंडीशन, टायर बिल्कुल अच्छे कंडीशन में है, मतलब पूरा ही बचा हुआ है लगभग, अभी ये 75% बचा हुआ है टायर। और इसका जो है बॉडी वगैरह देख लीजिए आप लोग, तो बॉडी वगैरह सब बढ़िया है, बढ़िया है। तो इसका सर क्या है आस्किंग? इसका 35,000 पड़ेंगे प्लस नाम ट्रांसफर इंश्योरेंस अलग से। 35,000 में एवेंजर जी, दोनों स्पोर्ट्स बाइक दोनों यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो। एक और एवेंजर भी है जो कि बिल्कुल सेम कंडीशन, दोनों 2016 मॉडल है, दोनों 2016 मॉडल है। और इसका भी 35,000 के आसपास में जो है रेट रखा गया है, फिक्स प्राइस है दोस्तों, यहाँ पे मोल भाव नहीं होने वाला यहाँ पे, क्योंकि ये जो भी बता रहा है जेन्युइन प्राइस बता रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो पल्सर भी है, तो ये 150 डबल डिस्क में है, 150 डबल डिस्क में है। और इसका क्या है भैया आस्किंग? 2018 मॉडल है। अच्छा अच्छा, ये 58 का है प्लस TF और इंश्योरेंस अलग से, TF और इंश्योरेंस अलग से जी। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों इसके अलावा जो है एक और SP प्राइस क्या बताया सर आपने पल्सर का? 58 फिक्स। और ये सब जो भी आप प्राइस बता रहे हैं पेपर वगैरह ट्रांसफर करके देंगे? नहीं नहीं, उसमें तो बोले ना कि 58,000 लगेंगे गाड़ी का प्लस TF अलग से, TF अलग से मतलब ट्रांसफर अलग से। हाँ, और ये देखिए होंडा का जो है साइन है ना, ये SP साइन। हाँ SP साइन, कितना सीसी का है ये है? वही 150 सीसी। 150 सीसी नहीं नहीं, 125 सीसी है ना SP साइन। अच्छा अच्छा, न्यू गाड़ी है, मतलब अभी नंबर भी नहीं आया इसका। अच्छा न्यू गाड़ी है बिल्कुल जी, मतलब टायर बिल्कुल 100% बचा हुआ है अभी, 600 चला हुआ है तो मात्र 600 किलोमीटर जी। क्या बात कर रहे हैं। हाँ, और इसका आस्किंग क्या है? इसका पड़ेगा आपको 80,000 ट्रांसफर करके, 80,000 ट्रांसफर करके। SP साइन सर अगर 125 सीसी का अगर लेते हैं नया शोरूम में जाकर के, तो क्या प्राइस पड़ेगा इसका? पड़ेगा 96,500। 96,000 आप क्या दे रहे हैं? हम दे रहे हैं 80,000 में ट्रांसफर करके, 80,000 में ट्रांसफर करके, मतलब जी 600 चला हुआ है।
600 चला हुआ है मात्र। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अभी नंबर भी नहीं आया है। भयंकर जो है नया कलेक्शन जो है ग्लैमर है, ग्लैमर है, बिल्कुल नया लग रहा है ये देखने में। 2020 दसवां महीना का, 2020 दसवां महीना का जी। इसका क्या है? 9 महीना का है गाड़ी। कितने किलोमीटर चली? ये 10,000 चला हुआ है मात्र, 10,000 जी। और इसका आस्किंग क्या रखा है आपने? इसका पड़ेगा 70,000 ट्रांसफर करके, 70,000 ट्रांसफर करके जी। इसमें भी 5+5 इंश्योरेंस है दोस्तों। यहाँ पे जो है वहाँ कॉन्ट्रबम है, दे दिए वो 50 पल्सर है। हाँ, 2015 का इसमें इंश्योरेंस है। हाँ, और ये ट्रांसफर करके 40,000 पड़ेंगे। अच्छा, किलोमीटर कितनी चली हुई है ये? 26,000 के आसपास। पैशन एक्स प्रो, एक्स प्रो। और जो कि आप लोग जो है पैशन के लिए भी बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे। और ये देखिए 2019 मॉडल की गाड़ी है, 2019 मॉडल की बाइक है सर। ये क्या इसका 15,000 चला हुआ है मात्र, 15,000 जी जी। अच्छा, इसमें भी 5+5 इंश्योरेंस है। 5+5 इंश्योरेंस जी। क्या है इसका सर? इसका पड़ेगा ट्रांसफर करके 58,000 जी। 19 मॉडल है। अच्छा अच्छा। और ये देखिए यहाँ पे जो है व्हाइट कलर की जो है स्पोर्टी लुक के साथ में जो है डेस्टिनी यहाँ पे अवेलेबल है। 2020 मॉडल, 2020 मॉडल। किलोमीटर कितने चली है सर? किलोमीटर इसमें चला हुआ 8,900। फर्स्ट ओनर जी। हाँ, कहाँ की गाड़ी है सर? ये तो यहीं की है। धनबाद नंबर है जी, धनबाद नंबर। इसका आस्किंग क्या रखा है आपने? इसका 45,000 में फाइनल कर दोगे जी। सो दोस्तों आपको जो है मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइक दिखाई, और यहाँ पे जो भी रेंज आपको दिखाया गया है, जो भी आपको कलेक्शन दिखाया गया है, वो ऑलमोस्ट जो है नया कंडीशन में है। मतलब अगर इसी बाइक को अगर आप शोरूम में जाकर लेते हो तो आपको 20-30,000 रुपये ज़्यादा लगेगा, जो कि आपका यहाँ पे लेने से बच सकता है, क्योंकि सेम मॉडल है, बिल्कुल 600 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता है। मतलब समझ लो कि यार 600 किलोमीटर समझ लो कितना किलोमीटर होता है, और उसमें क्या आपका घिसेगा। और मतलब फर्स्ट सर्विसिंग भी मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा ना? जी, फर्स्ट सर्विसिंग हुआ है। हाँ, एक सर्विसिंग हो गया, एक सर्विसिंग हो गया है। तो सोच लीजिए दोस्तों कि कितना जो है फायदे का जो है सौदा है। और 30,000 से यहाँ पे जो है इसी गिरिडीह की जो आप लोग वीडियो जो बोलते हो कि गिरिडीह की वीडियो दिखाओ, तो गिरिडीह की वीडियो जो है मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं। इसी डुमरी सर यहाँ पे पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे आना होगा, कहाँ से मतलब कहीं से लोग आते हैं अगर इसी बाय रोड मतलब ट्रेन की भी सुविधा है पारसनाथ स्टेशन। आपका जो है एड्रेस क्या है? नियर टू है ब्लॉक, पुराना ब्लॉक। अच्छा अच्छा, बस ब्लॉक के सामने ही है, ब्लॉक के बस स्टैंड इसी बाजार। तो दोस्तों यहाँ का जो है एड्रेस वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, साथ में सर का जो है कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूंगा। कॉलिंग टाइम जो होगा आपका 10 से लेकर के शाम 6 बजे तक के बीच कॉल कीजिएगा तो आपको नंबर ऑन मिलेगा, और उसके बाद जो है नंबर भैया ऑफ कर देते हैं, तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। तो फिलहाल दोस्तों आपको किस तरह की वीडियोस देखना है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगली अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।